Assalamualaikum, hello G and welcome back to another vlog. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. आज का vlog sunset के time, मतलब इतना late इसलिए start हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मैं busy था. आज सुबह time ही नहीं मिला vlog start करने के. लेकिन एक ही week के अंदर तीन तीन vlogs आ रहे हैं. We are back शबाब. तो कोई भी solid reason नहीं रहती like और subscribe ना करने की. खैर आज का सीन ऐसा है कि आप लोगों से discussion भी करनी है और आप लोगों से मशवरा भी लेना है. नेक्स्ट ट्रिप हम लोग किस कंट्री का मारेंगे, तो वो इंटरनेशनल कंट्री कौन सी होगी जिसका हम लोगों ने ट्रिप मारना, आप लोगों से उस बारे में डिस्कशन करनी. लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज सुबह से एक तो घर के बहुत सारे काम थे, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सारे ये वो आए हुए थे घर में, तो वो काम शाम करा रहा था. उसके बाद आज 8 दिसंबर है, आप लोगों को याद होगा एक साल कंप्लीट हो गया, पूरा एक साल कंप्लीट हो गया. लास्ट ईयर 8 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था और देखो वी आर हियर जी. एक साल हाइवान, इतनी जल्दी टाइम गुजर है. अभी मैंने जाना है सीधा जिम क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल मैं बहुत ज्यादा ना रूटीन पे पक्का हुआ हूँ, यकीन मानो. रोजाना एक तो मैंने अपनी डाइट फुल कंट्रोल की हुई, समझ लो खाना शाना मैंने ऑयली चीजें सब कुछ छोड़ दिया, डाइट फूड खा रहा हूँ और ऊपर से रोजाना जिम जा रहा हूँ. एक सिंगल दिन भी आज स्किप नहीं करा. आज वैसे जुम्मे कल भी जाऊंगा परसों भी जाऊंगा, मतलब छुट्टियों वाले दिन भी बड़ो जिम के अंदर फुल हार्ड वर्क चल रहे हैं आजकल. आज का ऐसा सीन है कि अभी जाना है पहले जिम, सही है, उसके बाद फिर आज मेरा जो दोस्त है फाद, आप लोगों को पता है मेडिकल का स्टूडेंट है, उसका आज लास्ट पेपर था प्रैक्टिकल. उसके बकौल उसे ऐसा फील हो रहा है कि भाई वो फेल हो जाएगा प्रैक्टिकल में. अब मेडिकल का आप लोगों को पता है कि थोड़ा मुश्किल सीन होता है, मुश्किल पेपर शेपर होते हैं. लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आज है उसकी बर्थडे और मुझे पता नहीं था, वो मुझसे मिला अपने पेपर के बारे में बता रहे, पेपर के बारे में बताते बताते उसने बोला तुझे पता है आज मेरी बर्थडे. मैंने कहा वर्ड गए भाई, आप लोगों को पता है मेरे लिए ये चीजें बहुत मैटर रखती है. अगर मेरा कोई दोस्त क्लोज है या मतलब मेरी गैदरिंग वगैरह में, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी बर्थडे है तो मैं उसको जरूर स्पेशल फील कराऊँ, समझ रहे हो. तो भाई उसका तो बना हुआ है मुंह और वो जाके सो गया, तो जब तक रात होती है जब तक वो उठेगा 8-9 बजे तक उठ जाएगा, तब तक हम लोग फ्री भी हो जाएंगे. तो उसको क्यों ना आज सरप्राइज किया जाए, सही है, केक शेक लेके जाते हैं उसको, कि बाहर घुमाने के लिए जाते हैं. क्योंकि आप लोगों को पता है जिसकी बर्थडे होती है उसके यार उसे कहते हैं कि भाई हाँ ट्रीट किधर है, सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई किसी को अंडे मारे जिसकी बर्थडे होती है. लेकिन जलालत शलालत वाला सीन नहीं करेंगे, समझ लो मैं खुद जाके उसके लिए केक शेक लेते हैं, अच्छा सा केक लेंगे और रात को उसको ले चलेंगे. क्योंकि रात को फिर मैंने जाना है बैरिया में, बहुत काम है, आप लोग समझ नहीं सकते. तो खैर टूर की जो बातें जाते हैं बाद में करेंगे, अभी सीधा हम लोग निकलते के साथ. ओ हैवान यहाँ पे आवाज एक हो रही है, लोग कहेंगे केड़ा पागल बढ़ गया इधर. दस मिनट के अंदर स्कर्रे पहुंचा दी हमें जिम के अंदर, जिम के अंदर चलते हैं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पहले इस तरह होता था ना कि कार्डियो शार्डियो और मसल ट्रेनिंग सारी हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया मैंने. अब वो होते ना कि अपनी लिमिट्स पुश करना, मतलब लगातार नॉन स्टॉप एक सेकंड भी नहीं रुकना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या मैक्सिमम 10 की स्पीड पे लगातार एक घंटे के लिए रनिंग हो जा रही, रनिंग हो जा रही, मतलब कोई स्टॉप नहीं ले रहा. मतलब मेरा मैक्सिमम था 25 से 30 मिनट, ऐसा ऐसा फिर उसको 35 मिनट गया, 40 मिनट गया, अब एक घंटा, तीन दिन से एक घंटा हो गया मेरा. तो बस वही करता हूं और अभी आप लोग मेरी हालत शाला देख लो, सही है. इसके बाद जब मैं बाहर निकलूंगा ना जिम से पूरा भीगा होता हूँ मैं, मतलब पसीने से पूरा गंदी तरह भीगा होता हूँ. तो खैर जाने से पहले एक कश लगा लें जल्दी से क्योंकि कश के बगैर कोई काम नहीं होता. मेरे से गाना ला दो मैनू. जाना सीखना ये टाइम देख सकते हो 5:03 हो रहे हैं. बस यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप करने हैं, उसके बाद फिर पूरे एक घंटे बाद मुलाकात होगी. पसीने से भर के रहे तो जी फाइनली आफ्टर 1 आवर आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं ना वल्लाही वो अजाब होते हैं. पता चल रहा होता है कि जिस्म के अंदर ना बस हो गई है लगातार एक घंटा. आप लोग मुझे बताने कि आप लोगों की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है लगातार भागने, ये नहीं कि बीच में बकवा लिया फिर भागे फिर इस तरह नहीं. तो खैर आप लोगों ने लाजमी अपना टाइम बताने, लेट्स सी कि कितना कितना स्टैमिना है आप सबके अंदर. आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा इसको ना बढ़ाऊ और आगे बढ़ाऊ, 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा. तो अभी बस चलते हैं घर और चल के नहाते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं. हाँ. अच्छा तो वो आप दरिंदे हो जो स्केल के ऊपर आया था, लेकिन वो जिम का रहे थे. पिक्चर लेनी है जी, आ जाओ करो क्लिक. न
नहा के मैं निकल आया और कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, वही जुम्मे के टाइम के कपड़े, अभी इनकी स्त्री का कीमा बन गया, लेकिन खैर छोड़ो जान दो कोई मसला नहीं। जिस दिन मैं इस्लामाबाद से वापस आया था, आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल से 2 वीक से ज्यादा हो गए, तो उस दिन आके मैंने अपना वेट चेक किया था, और वो लास्ट टाइम था जब मैंने अपना वेट चेक किया था 91.5 kg। और वल्लाही उस टाइम मेरे होश जो है ना वो पता नहीं कहाँ थे, क्योंकि मैं ठूसे जा रहा था, खा रहा जो बर्गर हो गए, पिज्जे हो गए, रोटियां, नान, कबाब, सब कुछ ठूसे जा रहा हूँ, ठूसे, और खा पी के ऊपर से पानी गुड़ 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 करके फिर सो जाना, तो मतलब इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया। तो उस दिन मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा काकू हैवान बहुत जल्दी टाइम गुजर है, जो करना अभी करना है क्योंकि कल कभी नहीं आती, तो भाई कमिटमेंट कर ली। उसके बाद फिर मैं जिम चला गया, और ये चेक करो सामने पड़ी हमारे वेट मशीन, प्लीज इग्नोर, मेरे कमरे की हालत थोड़ी खराब शराब हुई है, इंटरेस्ट में मैंने अभी तक अपना वेट चेक नहीं किया, वो लास्ट टाइम था जो मैंने 14-15 दिन पहले किया था। तो बस इसको स्टार्ट कर लें और देखते हैं कि कितना किलो हमारा कम हुआ है पिछले 10 दिनों के अंदर। मैंने सच में मेहनत बहुत ज्यादा की, मुझे पता है 1-2 किलो तो वजन कम हुआ होगा। 87 भाई क्या बात है, मैंने तो काम आ रही है, मजा आ गया जी। अभी नमाज का टाइम था, वो नमाज मुझसे मिस हो गई, तो मगरिब की नमाज भी कजा के थे, उसके बाद मेरी डाइट साइड का सारा सामान पक रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आजकल क्या मैं खा रहा हूँ। A few moments later, I know कि मैं कोई होता नहीं हूँ आप लोगों को एडवाइस वगैरह देने वाला, लेकिन ऐसा मेरा वेट भी कम हो रहा है आप लोगों के सामने, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर दे। ये एक बाउल है बड़ा सा सही, इसमें फ्रूट्स वगैरह सुबह सवेरे में बनवाता हूँ, और साथ में 2 boiled eggs होते हैं और ग्रीन टी के 2 cups, तो ये आधा मैं सुबह खाता हूँ आधा मैं शाम को आके खाता हूँ। तो ये सारी डाइट है और बाकी एक्सरसाइज आप लोगों के सामने, 1 घंटा नॉन स्टॉप रनिंग। खैर बस ये खाते हैं पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, फास्ट को पकड़ते हैं। 60,000 पाकिस्तानी रुपीस और 150 फ्री स्पिन की ऐसी धमाकेदार ऑफर वन एक्सपर्ट की तरफ से आई है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में एक लिंक दिया होगा, आप लोग उसको ओपन करके भी कर सकते हैं, और वन एक्सपर्ट का ऐप भी ओपन करके आप लोग कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेप्स है, जैसे ही आप लोग ऐप के ऊपर जाएंगे लॉग इन और रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, तो आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक कर देना, उसके बाद वन क्लिक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। कंट्री पाकिस्तान, करेंसी पाकिस्तानी रुपीस, जो थर्ड ऑप्शन है वो सिलेक्ट बोनस का, तो उस पर आप लोगों ने टैप करना है, और कैसीनो प्लस वन एक्स गेम्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। प्रोमो कोड का सेक्शन आएगा, उधर मेरा प्रोमो कोड एंटर कर देना जो कि काकू वन एक्स, उसके बाद ये सारी टर्म्स होगी इसको आप लोगों ने ओके शोके करके रजिस्टर कर देना, ये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को 150 फीस में और 60,000 रुपीस का बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट बेट में डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत इजी होते हैं, आप लोग इजी पैसा जैसे लोकल पाकिस्तानी बैंक के थ्रू आप लोग डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है वन एक्स बेट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, मेरे प्रोमो कोड के थ्रू आप लोग रजिस्टर करें, अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे आप लोगों को सारा बोनस मिल सकता है, तो जल्दी से अपना बोनस क्लेम कीजिए एंड एंजॉय। इस वक्त मैं बैरियर टाउन में आया हुआ हूं, ये चेक कर सकते हो, सामने से जाके केक लेना है, और ये स्कर के अंदर फास्ट बैठा हुआ, इसको भी मैं साथ ले आया हूं, और इसको मैंने बोला कि घर वालों के लिए केक लेना है, तो चल के केक के ऊपर इसका नाम शाम लिखवाएंगे, इसको आके मैं बोलता हूं कि भाई मेरे ख्याल से उसने नाम शायद गले लग गया, तो इसका केक होगा, इसको पता नहीं, इसको सच में आइडिया नहीं है। लेट्स गिव हिम अ सरप्राइज, मजा आएगा जरा इसका रिएक्शन शेक्शन देखते हैं। जो केक मैंने लेना है वो इनके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो नीचे गया है, अभी मिल गया है ना, दिखा दें, बस सही है, परफेक्ट, इसके ऊपर बस राइटिंग करवानी है, सही है, हैप्पी बर्थडे पूरा लिख दें और नीचे फहद लिख दें, राइटिंग अच्छी है आपकी वैसे, सीरियसली कितना टाइम लगता है इस राइटिंग को सीखने में? एक हफ्ते में जी, क्या बात है, हो गया केक पकड़ लिया सामने से, इस बर्थडे बॉय को बाहर निकालते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितने साल के हो गए हो? 20 का है। 20 साल हो गए हैं तुझे, मेरा छोटा भाई भी 20 का हो गया, पता है ना उसकी शादी हुई है, तू कब कर रहे हैं शादी? तेरी शादी के बाद शादी, मेरी शादी के बाद शादी करनी है, बस फिर तू भूल जा, होगी तेरी शादी। अच्छा चेक करना घर वालों के लिए, उन लोगों ने नाम ही खराब नहीं किया, बोल के देखना तुझे पता चले, अब इससे ज्यादा अच्छा मेरे पास और कोई स्क्रिप्ट थी नहीं। हैप्पी बर्थडे फादर, कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रैंक, कैमरे में हाथ हिला दीजिए। ये चक्कर, केक पसंद है ना ये वाला? खैर सार के लिए बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बल्कि आज ना तेरी बर्थडे है ना, आज तुझे स्कर्ट चलाने देते हैं, आ जा चला स्कर्ट तू, मजे कर, सिक्योरिटी भी आ गई है, देख रहे प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल में लेकर आया हूँ तेरे लिए, आज तेरी बर्थडे है, बस 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 आ रहे हम लोग। आज भाई ध्यान से ठोक शोक ना देना बर्थडे वाले दिन, सब कुछ माफ है लेकिन ठोकना मत, सही है? बर्थडे बॉय, यार बात नहीं कर यार,
बॉडी पे तो नहीं कुछ हिट हुआ ना, रिम्स ही लगे ना। ये फुटपाथ पे लगी है ना। चल बैठ बैठ कर रहा थोड़ा सा, मैं रिम्स ले लूँगी। वापस घर आ गए थे एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि बुरा उसको बिल्कुल फील ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2-3 लाख रुपए का रिम है यार उसके पीछे, क्यों किसी की बर्थडे वाले दिन उसका मूड खराब करें। खैर ये रिम्स मैं नए लगवा लूंगा, इनको कोई जुगाड़ करवा लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन बॉटम ऑफ द हार्ट मैं सही बात बताऊं बहुत बुरा फील होता है, वल्ला दिल के अंदर चोट लगती है वाली, चोटें जो होती है ना सर। वैसे गलती भी मेरी है, मैं इतना बिजी हो गया लाइफ के अंदर के ये अपने लिए सदके वगैरह उतारते रहते हैं, लेकिन ये स्कर के लिए जो सदका है ना ये उतारना मैं भूल गया था। खैर मेरी भी गलती है, मुझे अल्लाह ने याद दिलाया एक तरह का कि सदका उतारा करो। लेकिन छोड़ो जान दो, कोई मसला नहीं, जिंदगी ये चलता है, मसले शसले आते रहते हैं, इनको हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट टूर के लिए आप लोगों से बातचीत करनी थी, लेकिन वो हम लोग कल के ब्लॉग में रख देंगे, ठीक है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर देना, और हाँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कोनो टिकटॉकर्स तो नहीं हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंजॉय नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंसिल, बाय।